जो है उस पर एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हमारे परम पूज्य बाबू श्री विक्रम दीक्षित जी ने इसको स्थापित किया था, और उनके भाई श्री बालेश्वर दयाल शर्मा जी, बालेश्वर दयाल जी जो राज्यसभा के मेंबर थे, उनकी प्रेरणा जो भारत के एक समाज सेवी थे जिन्होंने मध्य प्रदेश की धरती पर आदिवासियों के लिए बहुत काम किया, ये उनकी आत्माओं का, उनके सपनों का ये विद्यालय है। और इस विद्यालय में हम लोग अगर उनको याद करें जिन्होंने इस देश की कुर्बानी, इस आजादी में अपनी कुर्बानी दी, तो हम लोग बहुत प्राउड के विषय हो सकते हैं। गणतंत्र दिवस मनाया तो जाता है, सभी लोग जानते हैं, लेकिन मैं थोड़ी उसके ऊपर इतिहास पे चर्चा करूंगा और आज के भारत की चुनौतियों पर चर्चा करूंगा। मैम ने कुछ बातों का जिक्र किया अपनी बातों में। हम ये मानते हैं कि आज 71 साल होने के बाद भी देश में कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने देखा था, वो पूरा नहीं हुआ, उनको पूरा करने का हमारा प्रयास होगा। आप जानते हैं कि भारत 16वीं शताब्दी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गुलाम हो गया था, और उसके लिए सबसे पहले मुंबई लड़ाई 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम लड़ा। अंग्रेजों ने अनेक षड्यंत्र किए और 1885 में हमारे देश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, और उस कांग्रेस की जो हर साल मीटिंग होती थी उसी में एक मीटिंग दिसंबर 1929 में लाहौर में रावी नदी के तट पर एक मीटिंग हुई, और उसमें भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने और कांग्रेसियों ने एक प्रस्ताव पास किया था पूर्ण स्वराज्य का। उस प्रस्ताव में यह था कि भले भारत में अंग्रेज रहें, लेकिन आज के बाद आने वाली जो 26 जनवरी 1930 होगी उस दिन हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। और हुआ भी वही, आने वाली 26 जनवरी 1930 को हम सारे कांग्रेसियों ने मिलकर के भारत में तिरंगा लहराया, और प्रथम स्वतंत्रता दिवस, यद्यपि कि हमें आज़ादी 1947 में मिली, लेकिन हमने अपना प्रथम स्वतंत्रता दिवस 1930 में मनाया था, और तब से 26 जनवरी का महत्व है। भारत 15 अगस्त 1947 को बहुत सी कुर्बानियों के बाद आज़ाद हुआ, भारत का संविधान लिखा जाने लगा, 2 साल 11 महीने 18 दिन भारतीय संविधान को बनने में लगा, और हमने अपना संविधान 26 नवंबर 1949 को तैयार कर लिया। लेकिन ये प्रश्न उठा इसको लागू कब किया जाए, तो हमने अपने इतिहास की डेट निकाली, और वो डेट थी 26 जनवरी 1929, जो 30 वाली जो हमने भारत की आज़ादी का त्यौहार मनाया था, हमने वेट किया 26 नवंबर 1949 के बाद, क्योंकि नवंबर के बाद दिसंबर और जनवरी आने वाली थी, और उसी लिए 26 जनवरी 1950 को हमने अपना स्वतंत्र गणतंत्र, अपना संविधान अपनाया, और तब से हमारा देश रिपब्लिक बन गया। रिपब्लिक का मतलब, जैसा कि आप जानते हैं, जनतंत्र। भारत एक दुनिया का बड़ा डेमोक्रेसी है। जनतंत्र का मतलब होता है जन माने जनता और तंत्र माने सरकार। अवर कंट्री इज अ रिपब्लिक। आपने दुनिया के और भी रिपब्लिक के बारे में अगर पढ़ा होगा तो मालूम होगा, मैं कई देशों की रिपब्लिक पढ़ाता हूँ, लेकिन जिस तरह का अभी एक मैं देश का पढ़ा रहा था, बेल्जियम। बेल्जियम एक छोटा सा कंट्री है यूरोप का, जहाँ पे मात्र 2 भाषा बोलने वाले लोग हैं, डच और फ्रेंच। उन देशों में इस भाषा को लेकर इतनी लड़ाई हो गई कि वहाँ सिविल वॉर छिड़ गया। श्रीलंका मेरा पड़ोसी देश है, आप जानते हो, 2 भाषी हैं, तमिल और सिंहली। वहाँ का विवाद इतना ज़्यादा चल रहा है, आप गर्व करिए कि आप भारत में रह रहे, जहाँ पे 22 भाषाओं को भारतीय संविधान में मान्यता दे रखी है, और हम लोग इतने प्रेम के साथ रहते हैं, कभी झगड़ा नहीं होता है। पंजाब में रहने वाला पंजाबी, असम में रहने वाला असमी, वेस्ट बंगाल में रहने वाला बंगाली, उड़ीसा में रहने वाला उड़िया, कर्नाटक में रहने वाला कन्नड़, तमिल में रहने वाला तमिल, तमिलनाडु में रहने वाला तमिल, इस तरह आप देखेंगे कि भारत में जो राज्य बने वो भाषा के आधार पर बने। हमारे देश में 28 इस समय राज्य और 9 के शासित राज्य हैं। इतना बड़ा देश है जिसका क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। नॉर्थ टू साउथ यात्रा करने लगो तो आपको रेलगाड़ी से भी
अनेक प्रकार के कल्चर्स देख सकते हैं, हमारे डांसेस में, हमारे गीतों में, हमारे सारी परंपराओं में आपको हर त्यौहार पूरे भारत का अलग अलग देखने को मिल जाएगा। लेकिन उन त्योहारों में सबसे महत्वपूर्ण जो हमारे राष्ट्रीय पर्व होते हैं 15 अगस्त और 26 जनवरी 2 अक्टूबर पूरे भारत में मनाए जाते हैं। ये जो त्यौहार होते हैं हमारे राष्ट्रीय प्रतीक होते हैं, हमें इससे त्योहारों से प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम अपने देश को वैसा बनाएंगे जैसा कि हमारे शहीदों ने सपना देखा था। बच्चों, आप देश को बहुत आगे ले जा सकते हैं। देखिए, 71 सालों हमने तरक्की बहुत की, आज हम चांद पे पहुंच चुके हैं, हमारा मिशन गगनयान जो 2022 में लॉन्च होने वाला है, हम दुनिया को चांद पर मनुष्य को उतारने वाले हैं, तो ये हमारे लिए बड़ी उपलब्धि होगी। हमारे देश में अभी भी बहुत सी समस्याएं हैं, जिसमें भ्रष्टाचार है, जिसमें महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार है, हमें ये सोच बदलनी पड़ेगी। हमें देश को गौरवपूर्ण बनाना होगा और 26 जनवरी के माध्यम से हम ये प्रेरणा ले सकते हैं कि हम अपने हिंदुस्तान को उस तरह का बनाएं जिस तरह के हमारे शहीदों ने सपना देखा था। हमारे विद्यालय के संस्थापकों ने ये जरूर सपना देखा होगा कि जब विद्यालय की उन्होंने स्थापना की होगी, उनकी आत्मा ने कुछ जरूर सोचा होगा कि हम अगर भारत के फ्यूचर को बना सकते हैं तो बच्चों के माध्यम से बना सकते हैं, तो उनके सपनों को हम पूरा कर सके, ये हमारे लिए गर्व की बात रहेगी। मैं एक बार पुनः आप सबको गणतंत्र दिवस की बधाई देता हूँ और बच्चों से कहता हूँ एक बार अपना झंडा ऊंचा करके हमारे साथ नारा लगाएंगे, भारत माता की जय।